Good morning, students. Today I am going to tell you about the phylum Porifera. इससे पहले आप लोगों ने जाना था फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में. नॉन कॉर्डेट्स का जो नेक्स्ट फाइलम हम जानते हैं वो है फाइलम Porifera. द मीनिंग ऑफ Porifera इज पोर बियरिंग एनिमल्स. आप अपने आम जीवन में जितने भी स्पॉन्जेस देखते हैं, आप गाड़ी की सीटों में देखते हैं, घरों में आप बर्तन धोने के जो स्पॉन्जेस हैं वो सभी जिस संघ के अंतर्गत आते हैं दैट इज नोन एज फाइलम Porifera. द किंगडम इज एनिमेलिया. सब किंगडम इज पैराजोआ. पैराजोआ मीन्स लैक्स ऑफ टिश्यूज एंड द फाइलम इज Porifera और पोर बियरिंग एनिमल्स. Porifera, the characters of Porifera. They are multicellular animals. They do not have tissues in their bodies. They possess well-developed water canal system and their body is characterized by the presence of numerous pores. And the best examples are sponges. एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपको आगे के फाइलम जानने से पहले पीछे के फाइलम आपको याद रहने चाहिए. इन अवर लास्ट लेक्चर आपने फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में जाना था और वहां पर आपको बताया गया था कि प्रोटोजोआ आर यूनिसेल्यूलर एनिमल्स. और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फाइलम Porifera एंड Poriferans आर मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स. यूनि मीन्स सिंगल सेल और जब हम मल्टी सेल्यूलर कहते हैं इसका अर्थ ये है कि जो ये जंतु है, ये जो जीव है, ये कई सारी सेल्स से मिलकर के बना हुआ होता है. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम Porifera. यहाँ पर आप जो दो स्पॉन्जेस हैं एस्कॉन एंड साइकॉन की आप देख सकते हो इनके चित्र से कि किस तरीके से Poriferan जो जीव है उनकी संरचना कैसे होती है. ये स्पॉन्जेस हैं जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं. ये समुद्री स्पॉन्जेस हैं जो सिंपलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स. दे कंटेन स्पेशलाइज्ड सेल्स बट नो अदर ऑर्गेनाइजेशन लेवल. मोस्ट आर मरीन. सॉल्ट वाटर स्पॉन्जेस आर ब्राइटली कलर्ड एंड फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस आर स्मॉल एंड डल ग्रीन कलर. अगर आपने समुद्र देखे हैं, आप कहीं गए हैं ऐसी जगह पे, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको ब्यूटीफुल जो सी वर्ल्ड होता है, या आप लोग डिस्कवरी चैनल अगर देखें तो आप देखेंगे कि जो समुद्र के अंदर का जो जीवन है, जो उसमें ब्यूटीफुल कलरफुल आपको प्लांट लाइक जो स्ट्रक्चर देखते हैं उनमें मोस्ट ऑफ देम आर सी एनिमल्स. समुद्र जगत के जानवर होते हैं जो इतने सुंदर होते हैं और कलरफुल होते हैं, जिनमें की विभिन्न प्रकार के स्पॉन्जेस भी होते हैं जिनका साइज 2 मीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर तक होता है. इसलिए दीज आर मोस्टली मेराइन बट इंक्लूड सम फ्रेश वाटर इनहैबिटेंट्स यूजुअली फाउंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम इन शेलो और डीप वाटर. दे आर सेसाइल परमानेंटली अटैच टू द सबस्ट्रेट. ओबटेन देयर फूड बाय फिल्टर फीडिंग. जो स्पॉन्जेस होते हैं ये हमेशा एक जगह अटैच रहते हैं, ये जुड़े रहते हैं. ये नहीं है कि ये फ्री स्विमिंग नहीं होते कि तैर रहे हैं हर समय. सेसाइल होते हैं मतलब स्टेबल होते हैं और हमेशा एक सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए होते हैं. और इनको जो भोजन जो ये प्राप्त करते हैं, ये फिल्टर फीडिंग, इनकी जो बॉडी की संरचना होती है, जैसे आप प्रीवियस स्लाइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप देखेंगे कि आप इनके जो सेंट्रल कैविटी देख रहे हैं, एक तरफ से आप देख रहे हैं कि वाटर आउट बाहर जा रहा है और जो एरो अंदर की तरफ बने हुए हैं वहां से पानी अंदर जाता है. और जाता कैसे, इनके शरीर में ये छोटे छोटे पोर या छेद होते हैं बने हुए, तो इन छेदों के माध्यम से पानी अंदर जाता है. और जो आप आगे देख रहे हैं कि नहर जैसी जो संरचना दिख रही है, जो नीला एरो दिख रहा है, वहां से पानी बाहर आता है. और यही जो मेन कॉन्सेप्ट है इनकी जो संरचना है, जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, कि किस तरीके से वाटर इन कैनाल्स के थ्रू अंदर जाता है
और किस तरीके से बाहर आता है, वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो इनको वाटर के इनलेट और आउटलेट आउटलेट में हेल्प करता है और इनको पोरीफेरम बनाता है. सो पोरीफेरा मीन्स पोर बियरिंग. वाटर एंटर्स थ्रू पोर्स ब्रिंगिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन. जो पानी आता है अंदर, क्योंकि इनके पास भी कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं है, मुंह नहीं है, दांत नहीं है, तो इनका खाना अंदर कहाँ से आता है शरीर के लिए? फूड और ऑक्सीजन जो है इन पोर्स के थ्रू अंदर आता है. इसीलिए इनको फिल्टर फीडर्स भी कहते हैं, जो कि प्लैंकटॉन्स जो समुद्र में या जो जल के अंदर जो भी छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, एल्गीज होती हैं, प्लैंकटॉन्स होते हैं, उन पर ये फीड करते हैं. तो पानी अंदर आने के लिए ऑस्टियास और बाहर जाने के लिए ऑस्कुलम प्रेजेंट होते हैं. ऑस्कुलम्स आर द लार्ज ओपनिंग एट द टॉप वेयर एक्सेस वाटर कम आउट. अब आप ये देखिए कि ये ल्यूकोसोलिनिया ये स्पॉन्ज है, वाटर फ्लो थ्रू द स्पॉन्ज. जो ये बहुत ही ब्यूटीफुली आपको दिखाता है कि इसमें पानी कहाँ से अंदर आ रहा है. आप इसके पूरे अगर शरीर को देखें, नीचे ही अब सबस्ट्रेटम से अटैच है, अगर आप नीचे देखेंगे तो ये जुड़ा हुआ है, बेस से चिपका रहता है. जहां पे आप देख रहे हैं कोइनो फ्लैजेलिडा, देन आप जो छोटे छोटे ये छेद देख रहे हैं, पूरा ये आपको फ्लास्क जैसे दिख रहा है, वेज जैसा, जैसे एक फ्लावर पॉट हो इस तरह की संरचना आपको दिख रही है. तो ये जो छोटे छोटे छेद आप देख रहे हैं, यहाँ से पानी अंदर जाता है और ये पानी अपने साथ क्या लेके जाता है? ऑक्सीजन ले जाता है और भोजन ले जाता है इसको जीवन को यापन करने के लिए. फिर आप देख रहे हैं वहां पर छोटी छोटी जो सेल्स अलग तरह की, कोइनोसाइट्स, पोरोसाइट्स, इनकरेंट पोर्स, स्पिक्यूल्स, और सबसे टॉप में जो आप देख रहे हैं उसमें आप गोल संरचना जो देख रहे हैं जिसको ऑस्क्यूलम कहते हैं, जहां से पानी बाहर आता है. तो जो छोटे छोटे छिद्र हैं, ऑस्टियाज हैं, इस पूरे शरीर में बने हैं, इनसे पानी अंदर जाता है और ऑस्क्यूलम के माध्यम से पानी बाहर आता है. और जो स्पिक्यूल्स हैं, जिस प्रकार से एक स्केलेटन होता है, कंकाल तंत्र होता है हमारे शरीर का, उसी तरीके से स्पॉन्जेस का भी जो कंकाल तंत्र बनाते हैं वो स्पिक्यूल्स बनाते हैं छोटे छोटे, इसीलिए ये खड़ा रह पाता, नहीं तो ये तो नीचे गिर जाता अगर इसका कंकाल तंत्र नहीं होता. तो जो स्पिक्यूल्स है ये इसको सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, इसको खड़ा करते हैं. इस तरफ आप देखिए कि जो सी में जो पिक्चर आपको दिख रहा है स्पॉन्ज का, ये पीले रंग का एक स्पॉन्ज दिख रहा है, उसका ऑस्कुलम है जो छेद आप देख रहे हैं ऊपर, जहां से कि वाटर बाहर आता है. और किस तरीके से ब्यूटीफुली ये ऐसे देखने में लगता है कि ये प्लांट है. नेक्स्ट इज जनरल मॉर्फोलॉजी. इफ यू कैन सी अगेन द इंटरनल कैविटी इज कॉल्ड द एट्रियम और स्पंजोसील. जैसे मैंने आपको इससे प्रीवियस स्लाइड में भी बताया कि किस तरीके से ऑस्टियास से पानी अंदर जाता है, और जहां पानी जाता है अंदर उसको कहते हैं सेंट्रल कैविटी. जो आप इस में देख रहे हैं दो स्पॉन्जेस आप देख रहे हैं, दो स्पॉन्जेस की बॉडी में आप देख रहे हैं कि जो ब्लैक एरोज हैं वहां से इनकरेंट पोर्स हैं, वो छोटे छोटे वहां पे वो बने हुए कैनाल्स बनी हुई है, जैसे नहरें बनी होती हैं खेतों में पानी जाने के लिए. इसी तरीके से सेंट्रल कैविटी में पानी जाता है, वहां पर जो उसको भोजन है उसको लेने के बाद ऑक्सीजन लेता है, और जो वेस्ट वाटर होता है वो ऑस्कुलम के माध्यम से जो आप नीला एरो देख रहे हैं वहां से बाहर आ जाता है. तो वाटर इज ड्रॉन इनटू इट थ्रू अ सीरीज ऑफ इनकरेंट पोर्स और डर्मल ऑस्टिया प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी एंड देन फ्लोज आउट ऑफ द स्पंज थ्रू ए लार्ज ओपनिंग एट द टॉप कॉल्ड द ऑस्कुलम. तो जब आप स्पॉन्जेस या पॉरीफेरिन के बारे में जानते हैं तो आपको दो चीज जानना बहुत जरूरी है, ऑस्कुलम एंड ऑस्टिया. ऑस्टियास फॉर इनकरेंट कैनाल्स एंड ऑस्कुलम फॉर एक्सकरेंट कैनाल्स. नाउ द बॉडी लेयर्स, जैसे आपने अभी इसका पीछे देखा कि उसका जो शरीर है पूरा, जो ऑस्कुलम जो आपने देखा था कि एक जो स्ट्रक्चर है उसकी मॉर्फोलॉजी है, उसमें आपको मैंने बताया कि मल्टी सेल्यूलर है, इसका मतलब इसमें एक से ज्यादा सेल है. जबकि आपने अभी में क्या पढ़ा था कि वहां पर
वो सिंगल सेलुलर है, यूनिसेलुलर है। सो द बॉडी लेयर्स आर, जो इसकी शरीर की लेयर्स हैं वो डिफरेंट टाइप की सेल से बनी हुई होती हैं। नंबर वन इज द पिनाकोडर्म, एन आउटर लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स कॉल्ड पिनाकोसाइट्स। नंबर टू इज एन इनर लाइनिंग कंटेनिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स, दोज आर कोइनोसाइट्स। वॉट इज द फंक्शन ऑफ कोइनोसाइट्स, दे ड्रॉ वॉटर इन थ्रू द पोर्स एंड मूव आउट थ्रू द ऑस्कुलम, ऑल्सो ट्रैप फूड पार्टिकल्स दैट आर सस्पेंडेड इन द वॉटर। द वॉटर करेंट इज ऑल्सो यूज फॉर गैस एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड रिलीज ऑफ द गैमेट्स। बिटवीन द पिनाकोडर्म एंड द कोइनोसाइट्स इज अ जिलेटिनस मटीरियल कॉल्ड मीजोहाइल, विच कंटेन्स सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ वॉन्डरिंग सेल्स कॉल्ड अमीबॉइड सेल्स और आर्कियोसाइट्स, विच आर अमीबॉइड सेल्स दैट फेगोसिटाइज फूड पार्टिकल्स। जो अमीबोसाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखते हैं जो वाटर करेंट के साथ अंदर आता है भोजन। दे कैन ऑल्सो अंडरगो डिफरेंशिएशन टू फॉर्म अदर सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स दैट प्रोड्यूस स्पीक्यूल्स। दिस इज द जनरल मॉर्फोलॉजी अगेन, हाउ द स्पीक्यूल्स, जो अभी हम बात कर रहे थे कि स्पीक्यूल्स इसका स्केलेटन बनाता है और किस तरीके से पानी स्पॉन्जोसील में जाता है। दिस इज द गुड पिक्चर और जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पॉन्ज। इज अ कोइनोसाइट्स लाइन द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी एंड कैप्चर फूड, अमीबोसाइट्स डाइजेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द फूड। द स्केलेटन इन द मीजोहाइल इज द स्केलेटन कंपोज ऑफ टाइनी पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स विच आर मेड ऑफ सिलिका और कैल्शियम। आई एम एक्सप्लेनिंग द पिक्चर, जो आपने अभी देखी मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ हियर। और कैल्शियम कार्बोनेट कॉल्ड स्पीक्यूल्स, दिस स्ट्रक्चर्स एक्ट एज एन इंटरनल स्कैफोल्डिंग बट ऑल्सो फंक्शनिंग प्रोटेक्शन। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीक्यूल्स विच फॉर्म द स्केलेटन। नाउ द वेल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन स्पॉन्जेस आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, because the whole everything of sponge is carried out by canal system। और जो आप उनका body का structure देख रहे हैं उसमें बहुत सारी canals हैं, और जो canals हैं उसी से उनका oxygen और food अंदर आ रहा है। so the canal systems in sponges are very important। so number one is ischenoid type sponges, जिसका आप picture देख रहे हैं। this is scone and how the movement of water takes place through the different cells of the body। A simple vase-like structure, this structure puts limitations on size, increase in volume without a corresponding increase in the surface area of the coenocytes। Another one is the psychonoid type of sponges। Here you can see the difference between the scone and scone। scone में आप देख रहे थे कि वो एक simple structure था, scone में आप देख रहे हो कि आप जो foldings हैं body की वो बढ़ जाती है। The flattened flagellated coenocyte layer has undergone folding forming finger-like projections। There is a single osculum but the body wall is more complex with water being received through incurrent canals which pass it along to radial canals through to the spongocele and results in an increase in the surface area which allowed sponges। And another one is leuconoid sponges। First was one is ischenoid, दूसरा था psychenoid, और जो तीसरा इसका canal system है वो है leuconoid sponges। आप इसमें साफ अंतर देख रहे हैं कि आपने पहला जो देखा था स्पॉन्जेस कॉन, साइकॉन और ल्यूकोनॉइड, इनमें जो कैनाल सिस्टम है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो इसमें नो एट्रियम, सेवरल स्मॉल चेम्बर्स इन विच कोइनोसाइट्स आर लोकेटेड, देयर इज अ होल सीरीज ऑफ इनकरेंट कैनाल्स लीडिंग टू द कोइनोसाइट चेम्बर्स, वाटर इज डिस्चार्जेस थ्रू एक्सकरेंट कैनाल्स।
and the leuconoid sponges exhibit a significant increase in surface area and are therefore among the largest sponges. This is a reproduction in sponges. Most of the time they are hermaphrodite or monoecious. Monoecious का क्या अर्थ होता है कि ओवा और स्पर्म एक ही इंडिविजुअल के अंदर होते हैं, जिसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं. एंड समटाइम्स स्पर्म क्या होता है, लीव्स स्पॉन्ज वाया द ऑस्कुलम. जो ऑस्कुलम होता है स्पॉन्ज का, वहां से निकलकर दूसरे इंडिविजुअल के अंदर जाके वहां पर उनका रिप्रोडक्शन होता है और जहां से एक नए लार्वा का फॉर्मेशन होता है, जिसको क्या कहते हैं, पैरेन्काइम्यूला लार्वा. Fertilized eggs develop into ciliated free swimming larva, which is called parenchymula larva. Sponges can reproduce asexually by fragmentation. Fragmentation means कि एक sponge टूट के दूसरा fragment होके नया sponge बना लेते हैं. These are the in picture you can see. These are the different stages of developing demo sponge. किस तरीके से द डेवलपमेंट ऑफ कैनाल सिस्टम इज टेकिंग प्लेस. मेनी ऑफ द फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस कैन प्रोड्यूस एसेक्सुअल बॉडीज कॉल्ड जिम्यूल्स एंड एग्रीगेशंस ऑफ सेल्स दैट आर एनक्लोज्ड इन हार्ड आउटर कवरिंग कंटेनिंग द यंग वंस. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पॉन्जेस. दिस इज अ स्पॉन्ज टैक्सोनॉमी. द ओनली स्पॉन्जेस दैट possesses spicules composed of calcium carbonate are from class calcarei, and spicules are straight or have 3 to 4 rays and do not have along axial canals. Today there is diversity is greatest in the tropics, predominantly in shallow waters of sponges. Another one is hylospongy. This belongs to class Hexactinida. And you can see here, these are the glass sponges characterized by siliceous spicules. आप इनके spicules अगर देख रहे हैं, consisting of 6 rays interesting at right angles and widely viewed as an early branch. This is the class demo sponge. These are different type of sponges actually. And the branching tube sponge. आप इसे देख लीजिए कि कितना सुंदर ये पिक्चर आपको दिख रहा है और ये कैसे ब्रांचिंग हो रखी है. दीज आर द ट्यूब स्पॉन्ज. किस तरीके से एक उनके जो ऑस्कुलम है पीले रंग के, आप देख रहे हैं पिक्चर में कि ऑस्कुलम है जहाँ से उनका वाटर बाहर आता है और पूरी बॉडी जो है वो ओस्टियाज से पानी अंदर जाता है. तो इस तरीके के ये दिखाई देते हैं समुद्र के अंदर. दिस इज स्टोव पाइप स्पॉन्ज. दिस आर द डिफरेंट टाइप ब्यूटिफुल स्पॉन्जेस with ostias and osculum. You can see here very clearly. This is vase sponges, barrel sponges, ball sponges, rope sponges, and that's all about phylum Porifera. Now, before concluding, I would just like to summarize the lecture कि आज हमने जाना कि पॉरीफेरा क्या है, पॉरीफेरेंस के मुख्य लक्षण क्या होते हैं, पॉरीफेरेंस में रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है, पॉरीफेरन के शरीर की संरचना क्या होती है, और पॉरीफेरन एक मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें कोइनोसाइट्स, पिनाकोसाइट्स, स्पिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप के सेल्स के द्वारा इसके पूरे शरीर का निर्माण होता है.